दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर कोई भी मनोकामना है, दिल की हार्दिक इच्छा है, उसे सिर्फ एक उपाय करके पूरा किया जा सकता है। सावन के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को कर लीजिए और अपनी कितनी भी मुश्किल मनोकामना को पूरी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, एक ऐसा आसान उपाय बताने वाली हूँ, जो कि सावन के पहले सोमवार के दिन ही अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना इसी सावन में पूरी हो जाएगी। तो कैसे करना है उपाय को, चलिए आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, गेहूं का आटा, उसका आपको दीपक बना लेना है। चार मुंह वाला दीपक बनाना है आपको, ठीक है, चार कॉर्नर वाला दीपक बना लीजिए। अब इसमें आपको बत्ती लगा लेनी है, दो बत्तियां, ठीक है, दो बत्तियों को क्रॉस करते हुए, मतलब चार मुंह वाले दीपक के चारों साइड पर आपको बत्ती रख लेना है, पर बत्तियां इस तरह से, वो जो लंबी वाली बत्ती होती है रुई की, वो क्रॉस होती हुई रख लेना है, ठीक है। अब इस दीपक में आपको तेल थोड़ा कम भरना है, क्यों, क्योंकि हमको इसमें एक और बत्ती लगाना है, जो कि है फूल बत्ती, जो छोटी वाली फूल बत्ती होती है उसको आपको सेंटर में लगा देना है, ठीक है, मतलब चारों कॉर्नर पर एक 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 बत्ती, दो बत्तियों को क्रॉस करते हुए हम लगाएंगे तो चार बत्तियां हो जाएगी, ठीक है, चारों कॉर्नर पर लग जाएगी, और एक बीच में हमको फूल बत्ती लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, सुबह के समय, ठीक है, सोमवार को सुबह के समय आपके घर का सेंटर, ठीक है, अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को लेकर, अगर आपकी पारिवारिक इच्छा है, परिवार की इच्छा है, तो आप आपके घर के बीच में दीपक लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल इच्छा है, जिसे चाहते हैं कि किसी को पता ना चले आप कोई उपाय कर रहे हैं, तो आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, या फिर आप आपके घर का जो मंदिर होता है या फिर जो ईशान कोण होता है वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस दीपक को आपको जला लेना है, चारों बत्तियों को आपको जला देना है, बीच में जो हमने छोटी वाली बत्ती लगाई है उसे भी आप जला लेंगे। ये चारों जो बत्तियां हैं, चारों जो हमने लगाई है, ये चारों दिशाओं के सूचक है, ठीक है, और बीच का जो है ये हमारे ब्रह्म सूत्र को जागृत करने वाली बत्ती है। अब इस दीपक को लगाने के बाद में आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, ठीक है। आप घर के बीच में जहां पर भी आपने लगाया है, आपको वहीं पर उस दीपक के सामने बैठना है। अगर आपकी पूरी पारिवारिक इच्छा है, पूरे घर के लिए आपने लगाया है, तो आप घर के बीचों बीच लगाएंगे और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे। अगर आपने अपने रूम में लगाया है, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने रूम में लगाएं और वहां पर बैठकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद में जब दिया पूरी तरह से जल जाएगा, सारी बत्तियां राज हो जाएगी, तो ये जो आटा है, जो आटा का दीपक हमने बनाया था, उस आटे में थोड़ी सी आप शक्कर मिला लें। अब इसे गूंथ लीजिए और गूंथने के बाद में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर इसे मिक्स कर लीजिए, इस आटे को, और इसकी बारीक बारीक सी गोलियां बनाकर चींटियों को आप खिला दें, ठीक है, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस आटे को ऐसे ही रख दें। आपकी जो भी मनोकामना है जरूर पूरी हो जाएगी। सोमवार के दिन बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसी सावन में। आप इसे कीजिए जरूर, और फिर जब रिजल्ट मिले मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये सावन आपके लिए, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।